बसमिल एवरीवन माय नेम इज़ यासिर यासुमी एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस एसबीआर सेशन इन टूडेज़ क्लास बेसिकली वी आर गोइंग टू लुक एट एसबीआर बी आर डिसम्बर ट्वेंटी थ्री मॉक एग्ज़ाम विच इज़ अवेलेबल ऑन योर बी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म हम ये सवाल अटेंड करेंगे देखेंगे कि हमारी कैपेसिटी कितनी है ऐसा सवाल अटेम्प्ट करने की इसमें न्यू स्टाइल क्वेश्चन है तो न्यू स्टाइल के ऊपर थोड़ी सी हमारी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इन शी कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आप सबके लिए बड़ी ख़ास बात है कि जब भी आप कोई मॉक एग्ज़ाम अटम्प्ट करने जा रहे हैं ख़ुद से अटैम्प्ट करने जा रहे हैं पी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो उसके अंदर आप लोगों ने टाइमिंग्स को बड़े गौर करना है कि आप टाइमिंग्स ओवर रन ना कर रहे हो ऑल दो के जब मैं आपको ये काम करवा रहा हूँगा तो क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं पढ़ा पढ़ा के ये चीज़ करवा रहा हूँगा तो ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लूँ बट एट द वेरी लीस्ट वेन यू डू इट टू प्लीज मेक श्योर कि आप टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड ना करें और विद इन द स्टिप्यूलेटेड टाइम जो कि अप्रॉक्सिमेटली वन पॉइंट एट मिनट्स पर मार्क के, के हिसाब बनता है आप उसी हिसाब के अंदर सवाल को कंप्लीट करिए राइट right? तो आई हैव द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी और इसी को इनशाला अटैम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे एग्जामर कहता है लेडियम हैज एक्विटी इंटरेस्ट इन नंबर ऑफ अदर एंटिटीज इंक्लूडिंग है तो बेसिकली हैप्स के अंदर हमारी होल्डिंग है अदर देन बहुत सारी एंटिटीज के अंदर है लेकिन हैनॉप्स के अंदर भी है एग्जाम में कहते हैं लेडियम प्रिपेयर्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू थर्टी फर्स्ट डिसम्बर ईच ईयर इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड के हम लेडियम हैं हम अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थर्टी फर्स्ट दिसंबर ईच ईयर बनाते हैं और हमारी एक सब्सिडरी की बात हो रही है जिसका नाम है हैनाप्स द डायरेक्टर्स ऑफ लेडियम हैव प्रिपेयर एन इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ़ द कंसॉलीडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एज एट थर्टी फर्स्ट डिसम्बर एक्सिक्स अगेन हम लोगों को मालूम है कि आज के ज़माने के अंदर एग्जामिनर आपके सामने एक ड्राफ्ट कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दिया हुआ होता है और उसके ऊपर आपने फर्दर काम करना होता है फाइनल कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के ऊपर द इनिशियल ड्राफ्ट इज प्रोवाइडेड इन एग्जिबिट एज अ स्प्रेड शीट एग्जामिनर आपको कहते हैं इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू द क्वेश्चन अब आपके सामने तीन एग्जिबिट होंगी राइट right? इन तीन एग्जीबिट के अंदर आपके सामने तीन केसेस दिए हुए हैं सबसे पहला केस है एक्विजीशन ऑफ है जिसके अंदर यू हैली परचेज शेयर इन हेन ऑप्स ऑन फर्स्ट जनवरी टू जीरो तो साल के पहले दिन देखिए और ईयर एंड इज थर्टी फर्स्ट डिसंबर एक सिक्स और हमने साल के पहले दिन किसी एक सब्सिडरी को एक्वायर किया है जिसका केस आपके सामने आया है देन देर इज अ लोन टू सप्लायर यू हैव गिवन सम लोन टू सप्लायर अच्छा अगर आपने लोन किसी सप्लायर को दिया तो आपके पास एक राइट टू रिसीव कैश बैक होगा इसका मतलब ये आपके लिए एक फाइनेंशियल एसेट है बिजनेस लोन टू की सप्लायर विच वॉज ऑल्सो मेड ऑन फर्स्ट जनवरी एक्सिक्स यानी ये भी साल के पहले दिन हुआ था फिर जो आपका थर्ड एक्सिबिट uh, है उसके अंदर देर इज अ ड्राफ्ट कंसॉलिडेटेड एसओ एफ पी एज एट थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू जीरोक्स दिस इन्फॉर्मेशन शुड बी यूज टू आंसर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट विद इन योर चोजन रिस्पॉन्स ऑप्शन अब सबसे पहले तरीकेकार क्या है कि आप जाइए अपने लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन के ऊपर और रिक्वायरमेंट्स का टैप खोलिए जब आप रिक्वायरमेंट्स का टैब खोलेंगे तो उसके सामने उसके अंदर आपके पास कुछ एग्जिबिट्स आ गई हैं हम इसको जरा देख लेते हैं एक नज़र एग्जिबिट को चल के देखें तो एग्जामिनर सबसे पहले ट्वेल्व मार्क्स के लिए आपको एग्जामिनर एक अटेम्प्ट दे रहा है एग्जामिनर एक बात कह रहा है कह रहा है बारह मार्क्स के लिए यूजिंग एग्जिबिट वन एक्सप्लेन द इम्पैक्ट प्लीज नोट डाउन एक्सप्लेन द इम्पैक्ट एक्सप्लेन करना है

और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स को क्लोज कर दूंगा मैं समझ जाऊंगा कि 12 मार्क्स के लिए गुडविल और नेट एसेट्स के ऊपर बात करनी है एंड इट्स इफेक्ट के ऊपर बात करनी है इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जिबिट सॉरी रिक्वायरमेंट्स का विंडो क्लोज कर दूंगा जाऊंगा एग्जिबिट नंबर वन के ऊपर एग्जिबिट नंबर वन खोल के रख लूंगा राइट डन एग्जिबिट नंबर वन खोल के रख लूंगा थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूं ताकि नजर सही से आता रहे राइट right? और उसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि मैं कहीं ना कहीं अपना वर्ड प्रोसेसर भी खोल के रख लू वर्ड प्रोसेसर खोलने की असल वजह हमारे सामने ये है वर्ड प्रोसेसर खोल लेने की असल वजह हमारे सामने ये है कि हमारे पास एक्सेस रहे वर्ड प्रोसेसर का भी कि अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट बात कोई भी इंपॉर्टेंट बात किसी भी इन टाइम पे हमें करनी है तो वो हम बड़े आराम से कर सके ठीक है ये मैंने ऐसे रख लिया ठीक बढ़ते हैं जरा एग्जामिनर कहते हैं ऑन फर्स्ट जनवरी टू जीरो मिलियन ऑफ द फोर्टी मिलियन एक शेयर कंपनी एंड गेंड कंट्रोल ऑफ अच्छा थर्टी आउट ऑफ फोर्टी मिलियन शेयर अगर आपने एक्वायर कर लिए हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि हैनॉप्स के अंदर हैनॉप्स के अंदर हमने थर्टी आउट ऑफ फोर्टी मिलियन शेयर किए हैं इसका मतलब सेवेंटी फाइव परसेंट होल्डिंग होगी सेवेंटी फाइव परसेंट होल्डिंग हमारी है

परचेज कंसिडरेशन वॉज वन एक्विटी शेयर इन लेडियम नॉमिनल वैल्यू ऑफ डॉलर वन फॉर एवरी टू शेयर तो भाई पहली बात तो हमें यह पता लग गई प्रोसेसर के अंदर लिख भी देता हूं कि भाई हमने दी थी इनको शेयर कंसिडरेशन शेयर कंसिडरेशन एग्जाम कहता है ऑन फर्स्ट जनवरी टू जीरो वैल्यू ऑफ एन एक्विटी शेयर इन लेडियम वॉज वन पॉइंट टू अच्छा आप देखें ना हमने कुछ बातें नोट कर ली पहली बात तो यू नो द परचेज कंसिडरेशन वॉज वन एक्विटी शेयर इन लेडियम फॉर एवरी टू शेयर इन है वन फॉर टू का बार्गेन था हमने सामने वाली कंपनी के थर्टी मिलियन शेयर्स एक्वायर किए हैं उनके हर दो शेयर्स के ऊपर अपना एक नया शेयर देना था अपना एक नया शेयर देना था इसका मतलब पंद्रह मिलियन शेयर्स हमको देने थे जिनकी वैल्यू कितनी थी 1.20, जिनकी वैल्यू कितनी थी 1.20, पॉइंट टू जीरो द इशू ऑफ द शेयर हैड बीन रिकॉर्डेड एट देयर नॉमिनल वैल्यू इशू ऑफ शेयर रिकॉर्ड तो हो गया लेकिन वो हो गया है जी अपनी नॉमिनल वैल्यू के ऊपर नॉमिनल वैल्यू का मतलब डॉलर वन पे रिकॉर्ड कर लिया है हालांकि रिकॉर्ड करना चाहिए था पॉइंट टू के ऊपर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ड्राफ्ट आपके साथ मिलकर बना रहा हूं साथ साथ लिखता चला जा रहा हूं आपको समझ में ज्यादा बेहतर लगे तो पहले पूरा पार्ट पढ़ लीजिएगा उसके बाद ड्राफ्टिंग कर लीजिएगा मैं अकॉर्डिंग साथ -साथ right? तो टू वाली लाइन से तो अकॉर्डिंग टू आई एफ आर इस थ्री बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड एक्विजिशन of a subsidiary shall be accounted for using acquisition method this requires the transaction to be reported at fair value hence the difference डिफरेंस बिट्वीन फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंड फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ एक्वायर्ड कंपनी शैल बी रिपोर्टेड एज गुडविल ठीक है तो पहले तो मैंने थोड़ा सा अपना बेसिस बनाई कि मैं जो बात करने जा रहा हूं वो बात मैं कैसे करने जा रहा हूं ठीक है फिर उसके बाद वही हमारा ट्रेडिशनल केस अब यहां लिखूंगा In this case, there was a shares consideration, shares exchange, whereby fifteen million shares of ladium, fifteen million shares of ladium were offered in exchange of thirty million shares in Henops this shares exchange should have been should have been recorded at fair value of dollar 1.20 per share which is the prevailing share price of ladium shares at

ट्रांजैक्शन जो थी वो पंद्रह मिलियन शेयर रेकग्नाइज होने चाहिए थे वन पॉइंट टू मिलियन की कंसिडरेशन के ऊपर इन्होंने जो रेकग्नाइज किए हैं वो पंद्रह मिलियन शेयर एक डॉलर के ऊपर यानी नॉमिनल वैल्यू के ऊपर रेकग्नाइज किए हैं इसका मतलब पॉइंट टू जीरो की रिक्निशन नहीं की अच्छा जब पॉइंट टू जीरो आपने कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू में शामिल नहीं किए होंगे तो इसकी वजह से आपकी गुडविल अंडरस्टेट हो गई होगी और गुडविल अंडरस्टेट हो गई होगी तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको वापस ओवरस्टेट करना पड़ेगा however the accountant has only recorded this transaction at $1 nominal value and thereby undervaluing goodwill by $0 $0.2 per share the correction would be the correction would be kya? $0 $0.2 per share विच बेसिकली वो देखे ना नॉमिनल वैल्यू से ऊपर जितना भी होता है वो बेसिकली शेयर प्रीमियम होता है तो डॉलर टू पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय हमारे पंद्रह मिलियन शेयर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस वुड बी सेवन पॉइंट फाइव मिलियन शेयर सॉरी सेवन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर तो सेवन पॉइंट अच्छा सॉरी मैंने पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया माजरत डॉलर फिफ्टीन मिलियन शेयर इन टू पॉइंट टू करेंगे तो आपके पास थ्री मिलियन आ जाएगा डॉलर थ्री मिलियन डॉलर राइट करेक्टिंग एंट्री शुड बी करेक्टिंग एंट्री क्या होगी भाई करेक्टिंग एंट्री बड़ी कॉमन सेंस की बात है हमें ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर करेक्टिंग करनी है तो करेक्टमेंट मतलब करेक्ट करेक्शन कैसे होगी हम गुडविल को डेबिट कर देंगे बाय थ्री मिलियन डॉलर्स राइट और अगर आप अपनी ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जाके देखिए तो ये एक ड्राफ्ट बना के दिया हुआ है यहाँ पे इक्विटी साइड के अंदर जाके देखें तो शेयर कैपिटल दिया हुआ है ये पेरेंट कंपनी का होगा हम सबको पता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट और सामने वाले का शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम नॉक ऑफ हो जाता है इन्होंने शेयर कैपिटल पेरेंट कंपनी का लिख के दिया हुआ है फिर अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी लिख के दिया हुआ है तो बेहतर यही है कि हम भी अदर कम्पोनेंट्स ऑफ इक्विटी का नाम इस्तेमाल करें वरना शेयर प्रीमियम भी अगर आप एंट्री में लिख देते तो कुछ गलत ना होता तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गुडविल थ्री मिलियन डॉलर डेबिट अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी थ्री मिलियन डॉलर क्रेडिट क्लियर होती है बात ये यहां पे मैंने ये अकाउंटिंग एंट्री बना दी मेरे ख्याल से यहाँ पे ये वाली चीज कंप्लीट हो चुकी है ये बात हम जरूर कंसिडर करेंगे कि ये वाली जो अकाउंटिंग एंट्री हमने बनाई है ये हमारे काम आगे भी आ रही होगी जब हम अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही कर रहे होंगे तो हमें गुडविल को बढ़ाना पड़ेगा थ्री मिलियन से और हमारी कंसिडरेशन है तो हमारे हिसाब से हमारी अदर कम्पोनेट ऑफ इक्विटी के अंदर तीन मिलियन और बढ़ जाएगा वो भी हमें रेकग्नाइज करना पड़ेगा क्लियर मेरे ख्याल से हमने यहाँ तक का काम कर लिया फिर कहते हैं लेडियम इनकर ड्यू डिलीजेंस कॉस्ट ऑफ सेवन हंड्रेड पार्ट ऑफ एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एनऑप्स एक ड्यू डिलीजेंस कॉस्ट इनकर हुई थी सेवन हंड्रेड थाउजेंड की ये भी कैपिटलाइज की जा चुकी है एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन यानी इस सात लाख डॉलर से हमने अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया होगा जब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया होगा तो इवेंचुअली हमारी गुडविल बढ़ गई होगी हालांकि हम सब ने पढ़ा है है कि कॉस्ट ऑफ 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 बिजनेस कॉम्बिनेशन हमेशा राइट हो जाती कंपनी के अंदर हमने पार्ट गुडविल बना दिया होगा हमने यह पार्ट ऑफ गुडविल बना दिया होगा पीएनएल में राइट ऑफ नहीं किया होगा यह गलती है हम इसको करेक्ट कर लेंगे तो यहां पे आगे लिख लेता हूं मैं अपने आंसर के अंदर ड्यू डिलीजेंस कॉस्ट is a cost of business combination and as per IFRS 3 such cost shall be such cost shall be due diligence cost is a cost of business combination and as per IFRS 3 such cost shall be uh, written off yeah shall be charged to profit or loss प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट एज इनक एज इनकट द गुडविल वुड हैव बीन द गुडविल वुड हैव बीन ओवर स्टेटेड बाय दिस अमाउंट एंड द रिटेन अर्निंग्स रिटेन अर्निंग्स या प्रॉफिट और लॉस या एसओ एफ पी का सवाल है तो इसका मतलब रिटेन अर्निंग्स की बात करेंगे एंड द रिटेन अर्निंग्स would have been understated which needs to be which needs to be corrected correcting entry shall be as follows correcting entry bana dete hain bhai zara correcting entry kya hogi bhai zara dekhte hain करेक्टिंग एंट्री ये होनी चाहिए कि देखें अगर हमने सेवन हंड्रेड थाउजेंड को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का पार्ट बना लिया था तो हमारी गुडविल बढ़ गई होगी तो हमें गुडविल को गिराना पड़ेगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुडविल क्रेडिट बाय सेवन हंड्रेड थाउजेंड के अंदर अगर सवाल सॉल्व करें तो सही है अच्छा ऊपर भी मैंने मिलियन लिख दिया था तो इसको भी थाउजेंड्स ही कर देता हूँ पूरा सवाल की एसओ एफ पी था के अंदर गिवन है फिर गुडविल कर देंगे क्रेडिट सेवन हंड्रेड से और हम डेबिट कर देंगे अपनी रिटेन अर्निंग सिर्फ रिटेन अर्निंग यानी सी आर सेवन हंड्रेड से सर सिर्फ सीआर क्यों बेटा हमारी एक्विजिशन यू uh, नो you know, हमारी कंसिडरेशन हमारे कॉन्सिक्वेंसिस तो ये सब कुछ हमारे पास ही जा रहा होगा ये एक काम हमें करना पड़ेगा रिटेन अर्निंग्स को कम करेंगे सेवन हंड्रेड थाउजेंड से और गुडविल को भी कम कर देंगे सेवन हंड्रेड थाउजेंड से क्लियर थोड़े से बात को आगे बढ़ाते हैं हमारे पास केस में और क्या आगे में जरा देखते हैं एग्जामिनर कहता है द डायरेक्टर्स ऑफ लेडियम यूज द बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेस माशा Examiner कह रहे हैं द डायरेक्टर्स ऑफ लेडियम वैल्यू ऑफ द नेट एसिड कंपनी वेन कंप्यूटिंग द गुडविल अराइजिंग ऑन द एक्शन ऑफ हेनॉप कह रहे हैं एक गलती हमको और ये नजर आई है कि जब हमने गुडविल कैलकुलेट की है तो हमने हेनॉप्स कंपनी की बुक वैल्यू को इस्तेमाल कर लिया था गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हालांकि हमें करनी क्या चाहिए एज पर एक्विजीशन मेथड हमको फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसिड्स ऑफ एज कंपनी यूज करनी चाहिए एग्जाम कहता है ऑन फर्स्ट जनवरी टू जीरो टू जीरोप्शन ऑफ कुछ एक्सेप्शन थी बाकी सब कुछ सेम था एग्जाम कह रहा है जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड एक विच हैड बुक वैल्यू ऑफ सिक्स मिलियन डॉलर एंड अ फेयर वैल्यू ऑफ सेवन मिलियन डॉलर आपके पास कुछ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का आइटम था जिसकी फेयर वैल्यू सेवन मिलियन डॉलर सेवन थाउजेंड थी लेकिन इनकी बुक वैल्यू कितनी थी 6, थी और आपने कितना कंसिडर कर लिया था बेटा गुडविल कैलकुलेट करते हुए थाउजेंड कंसिडर कर लिया था अच्छा अगर आप लॉजिकली सोचें कि अगर आपने फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट कुछ कम कंसिडर की थी तो आपकी गुडविल ओवर स्टेट हो गई होगी अब जब आप करेक्शन लेके जाएंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि आप गुडविल को अंडर करेंगे राइट right? गुडविल को अंडरस्टेट करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को थोड़ा सा ओवरस्टेट करेंगे क्लियर जरा यहां पे लिखता भी साथ साथ चले जाऊं uh, uh, यहां पे हेडिंग डाल देता हूं एडजस्टमेंट्स टू नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ठीक है ये हेडिंग बना दी मैंने इसके नीचे बेटा सब हेडिंग सबसे पहली बना रहा हूं मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एग्जाम का सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब जितना क्लियरली लिख दिया करेंगे पीपीएन से बेहतर वैसे तो लिख देते तो फर्क नहीं पड़ता है, लेवल पे, लेकिन जितना अच्छा पूरा पूरा लिख देंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलने चांसे के चांसेस हैं बशर्त शर्त यह है कि टाइम जया ना कर रहे हो राइट तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा हुआ था द डायरेक्टर्स मैं शुरू यूं कर रहा हूं द डायरेक्टर्स ऑफ लेडियम कंपनी हैड इनकरेक्टली use the book value of property plant and equipment of $6000 whereas as per ifrs 3 the fair value of these of $7000 should have been used should have been used this error would have understated the consolidated property plant and equipment but overstated the goodwill by dollar thousand dollar thousand the ज द डिफरेंस ऑफ डॉलर सेवन थाउजेंड माइनस डॉलर सिक्स थाउजेंड राइट द करेक्टिंग एंट्री शुड बी द करेक्टिंग एंट्री शुड बी क्या हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को इंक्रीज कर देंगे इंक्रीज कर देंगे बाई वन थाउजेंड डॉलर और हम अपनी गुडविल को डिक्रीज कर देंगे क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे डेबिट भी लिख देता हूं

अपवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एक्सेस डिप्रीसिएशन बाय एन अमाउंट ऑफ़ कितना कितना होगा भाई? एक हजार डॉलर से अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है या अपवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो रही है लाइफ टेन ईयर है तो इसका मतलब हंड्रेड हुआ एक्सेस डेप्रिसिएशन बाय एन अमाउंट ऑफ हन हंड्रेड डॉलर विच इज कैलकुलेटेड एज वन थाउजेंड डॉलर डिवाइडेड बाई टेन ईयर शुड हैव बिन रेकग्नाइज पोस्ट एक्विजिशन ऑफ हैनाप्स दिस विल ऑल्सो एफेक्ट एनसीआई प्रोपोर्शनेटली याद रखना बेटा इस पोस्ट एक्विजिशन एक्सेस डेप्रीसिएशन का इंपैक्ट एनसीआई के ऊपर भी आएगा द करेक्टिंग एंट्री देयर फॉर द करेक्टिंग एंट्री देयर फॉर शुड बी एज फॉलोज

और NCI को डेबिट कर देंगे और PPNE को क्रेडिट कर देंगे PPNE क्रेडिट होगा हंड्रेड से हमारी होल्डिंग परसेंटेज का इम्पैक्ट चला जाएगा बेटा CR के अंदर और बाकी चला जाएगा बेटा NCI के अंदर ये अकाउंटिंग एंट्री बननी चाहिए है राइट right? अच्छा भाई दे आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एग्जाम के अंदर अकाउंटिंग एंट्री बनाना जरूरी नहीं है अगर कोई बच्चा अकाउंटिंग एंट्री बनाए बगैर भी सवाल को सॉल्व कर ले तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कोई मार्क नहीं कटेगा कुछ ना मार्क मिलता है ना मार्क कटता है मैं हमेशा अकाउंटिंग एंट्रीज क्यों बना लेता हूं कि जब आखिर में जाके एस ओ को एडजस्ट करना होगा तो ट्रेस बैक करना आसान रहेगा ट्रेस बैक करना आसान रहेगा एंट्रीज को पकड़ना आसान होता है बनस्बत इसके के बगैर एंट्रीज के राइट तो इसलिए मैं कर देता हूं मेरी आदत है आप चाहें तो मत करिएगा कोई मसले की बात नहीं है अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट मामला जिसका आ रहा है वो आ रहा है इन्वेंट्रीज का मैं यहाँ पे जरा हेडिंग डाल रहा हूँ इन्वेंट्रीज की सही है ताकि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश रहे इन्वेंट्रीज विद अ बुक वैल्यू ऑफ टू मिलियन डॉलर्स हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ टू पॉइंट टू मिलियन डॉलर दिस अच्छा पहली बात तो करेक्ट कर लेते हैं इन द केस ऑफ इन्वेंट्रीज इन द केस ऑफ इन्वेंट्रीज देर विल ऑल्सो बी एन अपवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एट द एक्विजिशन डेट ऑफ डॉलर टू हंड्रेड कैसे निकाला बेटा बाईस सौ की फेयर वैल्यू थी दो हजार की बुक वैल्यू थी द करेक्टिंग एंट्री द करेक्टिंग एंट्री वुड बी एज फॉलोस क्या होगी बेटा करेक्टिंग एंट्री जरा सब लोग बता दो अपवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करनी है इन्वेंट्री के अंदर तो इन्वेंट्री डेबिट होगा टू हंड्रेड से और इसका कोरिस्पोंडिंग इंपैक्ट कहां चला जाएगा बेटा गुडविल के अंदर तो गुडविल क्रेडिट होगी टू हंड्रेड से डन फर्दर मोर एग्जामिनर कहते हैं भाई दिस इन्वेंट्री वॉज सोल्ड बाई हेनोब्स ऑफ ड्यूरिंग दंड्रेड थर्टी फर्स्ट डिसंबर एक्स बाय द ईयर एंड जब तक ईयर एंड आया तो ये इन्वेंट्री सेल की जा चुकी थी हैनॉप से ये इन्वेंट्री सेल की जा चुकी थी हैनॉप से अब यहां पे एक समझने का मकाम है एक समझने की चीज है ये एफ सेवन लेवल के ऊपर भी बहुत ज्यादा टेस्ट होती है बेटा आप जरा लॉजिकली सोचिए जरा लॉजिकली सोचना हैनॉप्स के पास बुक्स में एक इन्वेंट्री थी जिसकी बुक्स में वैल्यू थी दो हजार पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के अंदर ये इन्वेंट्री सेल हो गई जब कोई इन्वेंट्री सेल होती है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनती है तो बेसिकली है तो एंट्री बनती है sales, debit, credit, sales, debit, इस बात को यह नहीं मानते तो उसूली तौर पर तो यह अकाउंटिंग एंट्री बननी चाहिए थी जब आपकी बुक्स के अंदर 2200 के बजाय इन्वेंट्री रिकॉर्ड ही 2000 पे हुई भी होगी तो जब ये इन्वेंट्री सेल हुई होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी दो हजार ही गया होगा वैसे तो उसूली तौर पे कंसोलिडेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपने इस सामने वाली कंपनी को एक्वायर किया तो कंसोलिडेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्वेंट्री दो हजार की नहीं है अब ये बाईस सौ की है तो कल को अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स में कुछ जाना चाहिए था तो वो भी बाईस सौ ही जाना चाहिए था लेकिन क्योंकि हमने एडजस्टमेंट पहले पास की नहीं थी क्योंकि इंडिविजुअल बुक्स में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का इंपैक्ट होगा नहीं तो लॉजिकली सोचो बुक्स में ऑलरेडी ये इन्वेंट्री रिकॉर्ड हुई भी होगी सिर्फ 2000 की तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी सिर्फ गई होगी 2000 की अब आपने अभी अभी एक करेक्टिंग एंट्री बनाई जिसके नतीजे में आपने इन्वेंट्री को डेबिट किया दो से एज अ कंसॉलिडेशन एडजस्टमेंट अगर एज अ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट आपने 2000 सॉरी 200 से अपनी इन्वेंट्री को मजीद डेबिट किया है तो ये मजीद इन्वेंट्री भी सेल हो चुकी थी बाय द ईयर एंड ये मजीद इन्वेंट्री भी सेल हो चुकी थी बाय द ईयर एंड तो बेटा अगर इन्वेंट्री को 200 से बढ़ा रहे हो और ये इन्वेंट्री सेल हो चुकी है बाय द ईयर एंड तो बेटा फिर अपने खर्चों को भी अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी 200 से बढ़ा देना बाय द ईयर एंड ताकि ये प्रूव हो जाए कि ये सारी इन्वेंट्री सेल हो चुकी है बाय द ईयर एंड अब आगे लिख रहा हूं सिंस दिस इन्वेंट्री वॉज सोल्ड बाय द ईयर एंड एडिशनल कॉस्ट ऑफ सेल्स और अपीएनएल चार्ज शुड हैव बीन रेकग्नाइज ड्यू टू द अपवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इन कंसोलिडेटेड बुक्स द एंट्री शुड बी एज फॉलोज इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हुई होगी तो इन्वेंट्री गई तो हमने इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया 200 से एक बार इन्वेंट्री को यहां पे डेबिट किया था बेटा एक बार इन्वेंट्री को यहां पे डेबिट किया था नोट कर लीजिए सही है और एक बार हमने इन्वेंट्री को यहां पे बेटा क्रेडिट कर दिया है 200 से बात समझ में आ रही है आप लोगों को एक बार इन्वेंट्री को डेबिट किया एक बार इन्वेंट्री को क्रेडिट किया तो टेक्निकली कंसोलिडेटेड एफ एस से इन्वेंट्री गई एक बार टेक्निकली डेबिट किया एक बार इन्वेंट्री को क्रेडिट किया तो टेक्निकली कंसोलिडेटेड एसओ से इन्वेंट्री गई लेकिन इसका कॉरिस्पॉन्डिंग इंपैक्ट बेटा सी और एनसीआई के अंदर चला जाएगा विद रिस्पेक्टिव प्रपोर्शन मेरे ख्याल से वन और फिफ्टी चला जाएगा एनसीआई के अंदर डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट बेटा एक और एडजस्टमेंट हमने पास कर ली विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी लास्ट बट नॉट द लीस कहते हैं मैं अपने यहां पे वर्ड प्रोसेसर के अंदर एक हेडिंग डाल रहा हूं कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी ताकि डिस्टिंग्विश रहे ठीक है कहते हैं अंटिजेंट लाइबिलिटी अच्छा कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी इनिशियली लॉजिकली बुक्स में रिकॉर्ड नहीं भी हुई भी होती लेकिन एज पर आई एफ आर एक्विजिशन मेथड अकाउंटिंग ये एक्सेप्शन टू द जनरल प्रिंसिपल्स है कि कोई भी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी जो कि एस कंपनी की हो वो एक्विजिशन डेट के ऊपर कंसॉलिडेटेड एफ में रेकग्नाइज हो जाती है तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी फेयर वैल्यू ऑफ हंड्रेड ये सिक्सटी थाउजेंड कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी जीरो पे रेकग्नाइज होगी कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी बेटा जीरो पे रेकग्नाइज होगी एस कंपनी की इंडिविजुअल बुक्स के ऊपर लेकिन जब हमने सामने वाली कंपनी को एक्वायर किया होगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्विजिशन हमें हमेंजेंट लाइबिलिटी फेयर वैल्यू के ऊपर रेकग्नाइज कर लेनी थी कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी क्रेडिट होगी तो गुडविल डेबिट होगी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कम होंगे तो गुडविल बढ़ेगी इसकी रेकग्निशन की वजह से एज पर द रूल्स ऑफ आई एफ

गुडविल डेबिट हो जाएगा बेटा 300 से और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी बेटा 300 से डन एग्जामिनर कहते हैं द कॉन्टिंजेंसी द कॉन्टिंजेंसी वॉज रिजोल्व ड्यूरिंग दर्टी फर्स्ट डिसंबर एक्स एक्स जब तक आप ईयर एंड तक पहुंचे तब तक ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी रिजॉल्व हो चुकी थी अगर जब तक आप एंड तक पहुंचे ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी यू नो रिजोल्व हो चुकी थी तो बाय द ईयर एंड आपको इस कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को रियलाइज करवा देना चाहिए आपको इस कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को रिजोल्व करवा देना चाहिए अपनी कंसोलिडेटेड एसओ के अंदर भी मैं यहां लिख रहा हूं पोस्ट एक्विजिशन सिंस द कॉन्टिजेंसी वॉज रिजॉल्व देर फॉर द कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी शैल बी डी रेकग्नाइज शैल बी डी रेकग्नाइज विथ द फॉलोइंग एंट्री ऑल्सो अफेक्टिंग एन सी आर एंट्री क्या बनाएंगे भाई कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इंड तक खत्म हो गई ऑल्सो क्या हमने एज अ करेक्शन टू गुडविल एज अ करेक्शन टू गुडविल हमने कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी रेकगनाइज करी लेकिन क्योंकि बाय द ईयर एंड वो रिजोल्व हो चुकी थी तो हम इसको पोस्ट एक्विजिशन वापस रिजॉल्व कर देंगे हम कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को अपनी डेबिट कर देंगे बेटा कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को बेटा अपनी डेबिट कर देंगे कितनी की अमाउंट थी वन अच्छा मैंने ऊपर पता नहीं थ्री हंड्रेड की फिगर क्यों लिख दी ये वन सिक्सटी है गलती हो गई भाई मुझसे वन सिक्सटी है यही एकदम से सोचने लगा थ्री हंड्रेड कहाँ आया जेंट so, लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे बेटा 160 से और बेटा सीआर और एनसीआई को क्रेडिट कर देंगे बेटा 160 160 डन एंड दिस इज इट वी हैव डन इट क्लियर आगे बढ़ जाते हैं बेटा एग्जाम कहता है डायरेक्टर ऑफ लेडियम कंपनी गुडविल इज नॉट इम्पियड एनसीआई भी सही मेजर किया था गुडविल करेक्ट गुडविल करेक्ट है गुडविल के अंदर कोई मसले मसाइल नहीं है क्लियर होती है बात ये? आगे आ जाते हैं भाई जरा आगे आ जाते हैं मेरे ख्याल से हमने एग्जिबिट नंबर वन को पूरा कर लिया है तो अगर एग्जिबिट नंबर वन को हमने पूरा कर लिया है तो हम यहां से इसको क्लोज कर सकते हैं एक काम हमारा डन हो गया सेकेंड जो एग्जिबिट है बेटा दिस इज रिलेटेड टू टू लोन सप्लायर पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे और फिर रिक्वायरमेंट पढ़ लेने के बाद इसको रिजोल्व करेंगे रिक्वायरमेंट एग्जामिनर कहता है यूजिंग एग्जिबिट टू एक्सप्लेन अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने एक्सप्लेन करना है हाउ द लोन टू सप्लायर शुड बी मेजर्ड इन दाइनेशियल स्टेटमेंट इन 20x6 और ये नौ मार्क की रिक्वायरमेंट है नौ मार्क की रिक्वायरमेंट है हमने देखना है कि लोन टू सप्लायर यानी फाइनेंशियल एसेट का क्या केस था और उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए ठीक है भाई बंद कर रहा हूं लोन टू सप्लायर खोल लिया सही है इसको थोड़ा सा भाई मैंने ये ऐसे बिठा दिया अपने पास, ठीक है? थोड़ा सा ज़ूम इन कर लेते हैं ताकि है हमें क्लियरली नजर आ जाए और यहां से पढ़ना शुरू करते हैं ठीक है अच्छा अब मैं आ चुका हूं भाई ऊपर जरा करेक्ट ये भी कर दू आप लोगों के लिए यहां तक जो अभी मैं सॉल्व कर रहा था वो रिक्वायरमेंट नंबर ए थी सही है जस्ट फॉर दैट के एग्जामिनर सही से बात समझ सके मैंने यहां पे आके एंड में लिख देना है कि अब जो भी मैं बात करूंगा वो रिक्वायरमेंट नंबर बी के ऊपर होगी, ठीक है दिस इज रिक्वायरमेंट नंबर बी एग्जाम कहते हैं लोन ऑफ टेन मिलियन डॉलर टू सप्लायर अच्छा अगर लेडियम ने लेडियम का मतलब पेरेंट कंपनी ने हमारी सब्सिडरी है नॉप्स हम खुद लेडियम है हमने हमने पेरेंट कंपनी से रिलेटेड बात हो रही है हमने अपने एक सप्लायर को लोन दिया है टेन मिलियन डॉलर का सो द फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्री कि हमने फाइनेंशियल एसेट को डेबिट कर दिया होगा टेन मिलियन या टेन मिलियन बोल लू या थाउजेंड का सवाल है तो टेन थाउजेंड डेबिट और बेटा कैश या बैंक वॉट अब इसमें ना पकड़ना किया करें कैश या बैंक हमने क्रेडिट कर दिया होगा टेन थाउजेंड ठीक है कहता है लेडियम इनकर्ट टू हंड्रेड थाउजेंड डॉलर इनकर्ट कॉस्ट ऑफ टू हंड्रेड थाउजेंड इन अरेंजिंग द लोन सही है ये आपकी इशू कॉस्ट हो गई ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गई आप इसको जो कहना चाहते हैं आपकी हो गई हम सब लोगों को मालूम है कि आई एफ के अंदर अगर आपके पास फाइनेंशियल एसेट है तो फाइनेंशियल एसेट डेट इंस्ट्रूमेंट को ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है लोन दिया है आपने फाइनेंशियल एसेट डेट इंस्ट्रूमेंट को डील करने के लिए आपके पास तीन टाइप के मॉडल्स होते हैं या तो अमोटाइज कॉस्ट मॉडल है या तो हाइब्रिड मॉडल है या तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट पास करते हैं बिजनेस मॉडल टेस्ट पास करते हैं बिजनेस मॉडल टेस्ट क्या था कि आप होल्ड करेंगे बॉन्ड को या होल्ड करेंगे फाइनेंशियल एसेट को टिल मिच्योरिटी और क्या था कि आपके पास आने वाली कैश फ्लो वो सिंपल पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट होनी चाहिए अगर आप ये दो टेस्ट पास करेंगे तो आप अमाउटाइज कॉस्ट मॉडल के अंदर जाएंगे जिसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज हो जाना होता है हाइब्रिड मॉडल के अंदर भी यही कुछ रहेगा लेकिन अगर वो फेयर वैल्यू थ्रू पी एन वाला मॉडल हुआ तो सब कुछ

दो लाख डॉलर की लोन अरेंजमेंट कॉस्ट थी जिसको माशाल्लाह 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 आपने कहा फेंक दिया था उठा के पीएनएल पीएनएल उठा के फेंक चुके हैं भाई आप इसको ठीक है भाई पीएनएल में उठा के आप इसको फेंक चुके हैं डन अच्छा अगर अमोरटाइज कॉस्ट मॉडल है तो क्या पीएनएल में उठा के फेंकना सही है नहीं कैपिटलाइजेशन होगी तो ये दो लाख डॉलर रिवर्स होगा पीएनएल से

सप्लायर के साथ जो अरेंजमेंट थी वो ये थी कि हमने आपको तीन साल का लोन दिया है फर्स्ट जनवरी टू जीरो को हमने तीन साल का लोन दिया है पहले साल के आखिर में यानी थर्टी फर्स्ट दिसंबर एक्सिक्स को आप हमें पे करेंगे चार लाख फिर थर्टी फर्स्ट दिसंबर एक्स सेवन के ऊपर आप हमें पे करेंगे चार लाख और फिर आखिरी साल में थर्टी दिसंबर एक पेमेंट करेंगे होंगे पे करें आखिरी साल के अंदर नाइन फोर सिक्स सेवन सेवन फाइव तो बेसिकली आपको ये बात समझ जानी चाहिए आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि नाइन फोर सिक्स सेवन सेवन फाइव का आपके पास क्या आ रहा होगा आखिरी साल में इंटरेस्ट तीन साल का लोन है कहते हैं इज इंटरेस्ट इनकम ऑफ फोर लॉस फॉर दर टूट इनकमी चार लाख जितना अभी तक आपने सवाल पढ़ा है ना आगे चल भी कुछ ऐसा खास नहीं लिखा हुआ सही है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वगैरह भी दिया हुआ तो पहली बात तो यहां से क्लियर कर लोन टू सप्लायर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मॉडल में है नहीं नजर आता क्या अभी तक यहाँ से कुछ आपको नजर आ रहा है जो कि आपको हाइब्रिड मॉडल की निशानदेही कर दे कुछ नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये बात क्लियर है कि ये आर ये वाला जो यू नो you know, ये वाला जो भी सिनेरियो है इसके अंदर आपका ये लोन टू सप्लायर ये फाइनेंशियल एसेट रेकग्नाइज होगा अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल के अंदर ये रेकग्नाइज किसके ऊपर होगा अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल के अंदर आप पूरा सवाल पढ़ के देख लें कहीं कोई ऐसी हिंट नहीं दी हुई जो कि आपको फेयर वैल्यू थ्रू त्रिपीएनएल या आपको हाइब्रिड मॉडल की तरफ लेके जाए तो मैं थोड़ी सी तमहीद ये बांध रहा हूं कि कॉस्ट मॉडल का सवाल है जरा आगे आ जाए मैं थोड़ा बहुत यहां पर लिखना स्टार्ट कर दू अकॉर्डिंग टू आई एफ आर एस नाइन अकॉर्डिंग टू आई एफ आर एस नाइन अ फाइनेंशियल एसेट डेट इंस्ट्रूमेंट Shall be classified and accounted for under the amortized cost model if the transaction meets two tests, which are namely business model test. बोल्ड कर रहा हूं बेटा बिजनेस मॉडल टेस्ट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट राइट लिखा हुआ है इन दिस केस मैं लिख रहा हूं जरा सुनना इन दिस केस इट इज एविडेंट इट इज एविडेंट दैट द सप्लायर द लोन टू सप्लायर शैल बी शैल बी हेल्ड टिल मेच्योरिटी आई मीन दिस इज नॉट अ नॉर्मल बॉन्ड जो कि आपने मार्केट से जाके खरीदा हो यह कोई नॉर्मल डिवेंचर या कोई नॉर्मल बॉन्ड नहीं है जो कि आपने मार्केट से जाकर खरीदा हो और आप कह रहे हो कि यार बिफोर मेच्योरिटी भेज दूंगा आपने अपने सप्लायर को लोन दिया है और आप जरूर उसको रखना कब तक जाएंगे टिल मेच्योरिटी In this case, it is evident that the loan to supplier shall be held till maturity and the contractual cash flows contain nothing except simple, yeah, sole payments of principal or interest. Hence, this financial asset shall be accounted for under the amortized cost model in this approach interest income is recognized interest income is recognized based on effective rate rather than coupon rate rather than coupon rate अच्छा मैंने ऐसा क्यों लिखा कि इंटरेस्ट इनकम इज रेकनाइज बेस्ड ऑन इफेक्टिव रेट रादर देन कूपन रेट क्योंकि मैंने यहां पे पढ़ लिया था लिखा हुआ था लेडियम रेकग्नाइज इंटरेस्ट इनकम ऑफ 400,000 इन प्रॉफिट और लॉस फॉर 31 दिसंबर डिसंबर एक्स एक्स आप लॉजिकली सोचें आप लॉजिकली सोचें तो आपके जो आपका यू नो सप्लायर है उसने आपको चार लाख डॉलर पे करना था यानी ये आपका कूपन अमाउंट है उसने आपको चार लाख डॉलर पे करना था जो कि आपका कूपॉन अमाउंट है और आपने कूपॉन अमाउंट को ही इंटरेस्ट इनकम बना लिया हालांकि नीचे एग्जामिनर ने आपको इफेक्टिव रेट अलग से लिख के दिया हुआ था वो लिख के दिया हुआ था पांच परसेंट का तो आपको तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट इनकम रेकग्नाइज करनी चाहिए थी राधर देन रादर देन ऑन द यू नो कूपन वैल्यू लिख रहा हूं आगे देयर फॉर देयर फॉर अकाउंटिंग फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू जीरो हमें क्या बनाना होता था बेटा एक अमोटाइज शेड्यूल बनाना होता था वही बना रहे हैं हम यहाँ पे मैं जरा सा एक टेबल शेबल बना रहा हूं बेटा एक साल ही पहले सॉल्व करूंगा उसकी वजह है अभी आपको इनशाला समझाते हैं हम ये वजह तो बेटा ये मैंने अपने पास कॉलम बना लिया यहाँ पे एक कॉलम बना लेता हूं बेटा अमोर्टाइज कॉस्ट नो पहले बना लेते हैं एक डेट का अमोर्टाइज कॉस्ट ब्रॉड फॉरवर्ड फिर आ जाएगा इंटरेस्ट इनकम विच इज बेस्ड ऑन इफेक्टिव रेट फिर आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड और फिर आ जाएगा आपका अमोर्टाइज कॉस्ट कैरिट फॉरवर्ड राइट ये आपकी आ गई बेटा इन सबको इन सबको बेटा सेलेक्ट कर रहा हूं यहां से मिडिल अलाइन बोल्ड कर दिया ताकि हेडिंग लगे ठीक है अच्छा अब डेट क्या है बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें जनवरी को हमारे पास ना कोई ब्रॉड फॉरवर्ड था ना कोई इंटरेस्ट इनकम थी ना कोई इंटरेस्ट रिसीव था हमने अपनी बुक्स के अंदर इसको जरा मिडिल अलाइन कर दूं ताकि थोड़ा सा मुनासिब लगे हमारे पास एक अमोर्टाइज कॉस्ट कैरिड फॉरवर्ड आ गई होगी यानी हमारे पास एक फाइनेंशियल एसेट आ गया होगा दस हजार का सही है थाउजेंड्स के अंदर बात कर रहा हूँ बेटा फिर 31 दिसंबर डिसम्बर एक्स सिक्स को हमारी पहली मुलाकात हुई होगी पुराने जमाने का क्लोजिंग इस जमाने का ओपनिंग हो गया होगा हमें इंटरेस्ट इनकम इसके ऊपर रेकग्नाइज करनी चाहिए थी बेटा बेस्ड ऑन इफेक्टिव रेट तो टेन थाउजेंड के ऊपर अगर आप पांच अप्लाई करें अरे एक बात तो मैं भूल गया अभी अभी दिमाग में आ गई अभी अभी दिमाग में आ गई बेटा क्या एक चीज यहीं पे बेटा ऐड कर दू फर्दर मोर अंडर अमोरटाइज कॉस्ट मॉडल द ट्रांजेक्शन बिल्कुल दिमाग से निकल गई थी बेटा द ट्रांजेक्शन कॉस्ट अब देखो ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी थी बेटा यहां पे कहीं ना कहीं लिखी हुई थी टू हंड्रेड थाउजेंड की ये देखो टू हंड्रेड थाउजेंड इसको भी कैपिटलाइज करना था द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ डॉलर टू हंड्रेड शुड हैव बीन कैपिटलाइज्ड। द करेक्टिंग एंट्री द करेक्टिंग एंट्री वुड बी एज फॉलोज उन्होंने क्या कर दिया था बेटा उसको पीएनएल में चार्ज कर दिया था हम पी से निकाल देंगे हम पीएनएल से कैसे निकालेंगे पहली बात हम फाइनेंशियल एसेट को डेबिट कर देंगे बेटा 200 से सही है और बेटा हमारा सिर्फ सीआरए बेटा ये सारी ट्रांजैक्शन पैरेंट कंपनी की चल रही है तो सब कुछ सीआर से रिलेटेड है एनसीआई का कोई ताल्लुक नहीं है इसमें तो फाइनेंशियल एसेट बेटा डेबिट हो गया था 200 से और बेटा कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग बेटा क्रेडिट हो जाएगा 200 से यहां पे फाइनेंशियल एसेट भी हमारे पास 10200 का आएगा इस 10200 का बेटा हम निकालेंगे 5% जो कि इंटरेस्ट इनकम है पांच परसेंट जो कि इंटरेस्ट इनकम है तो दस हजार दो सौ का पांच परसेंट निकालें तो ये आ रहा है आपके पास फाइव वन जीरो इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा चार सौ हम इसको यहां से लेस करेंगे और हमारा क्लोजिंग फिगर जो आना चाहिए है तो होगा वन जीरो थ्री वन जीरो दैट शुड बी आर क्लोजिंग फिगर क्लियर बात सबको समझ में आ रही है बेटा तो हमने यहाँ पे कुछ करेक्शन बेटा सीख ली हैं पहली बात तो फाइनेंशियल एसेट हमारा डेबिट हुआ होगा कैश एंड बैंक क्रेडिट हुआ होगा यहाँ तक तो हम सब बराबर है हमने एक करेक्टिंग एंट्री बेटा फॉलो की है वो है आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट की जिसमें से हम पीएनएल में दोबारा क्रेडिट डाल रहे होंगे इन्होंने डेबिट डाला हुआ था हम क्रेडिट डाल रहे होंगे और फाइनेंशियल एसेट को डेबिट कर रहे होंगे इन्होंने इंटरेस्ट इनकम बेटा इन्होंने मैं ऐसे बोलूंगा लेडियम हैड रेकग्नाइज interest income of dollar four hundred whereas whereas the correct interest income should have been five one zero therefore additional one one zero would be would be taken to retained earnings would be taken to retained earnings, since this transaction only relates to parent company, no impact on NCI, इस बात का खास ख्याल रखना ये वाले note को भी बेटा खास ख्याल दे देना done, अच्छा अब यहाँ तक तो मेरा ख्याल है यहाँ तक तो ना सबको सवाल समझ में आ रहा होगा अभी तक मैंने कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं की है लेकिन अब इसके बाद कुछ रॉकेट साइंस की बात है और वो मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे मेरी बात को जरा सुनिएगा Examined ने लिखा हुआ टूवर्ड्स द एंड ऑफ टू जीरो साल के बाद जाके सप्लायर बिगेन टू फेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम सप्लायर की भाई कोई हो गई फाइनेंशियल कड़ी हो गई सप्लायर मेड द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ फोर हंड्रेड थाउजेंड सप्लायर ने फोर हंड्रेड थाउजेंड की इनकम आपको पे कर दी इंटरेस्ट जो उसने पे करना था पे कर दिया दैट वॉज ड्यू ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर एक्सिक्स बट देन द टर्म्स ऑफ द लोन वर रीनिगोशियटेड एक साल पूरा हो जाने के बाद साल के आखिरी दिन हमें पता लगा कि सप्लायर के हालात बड़े खराब है देखो तो बार बार एग्जामिनर कह रहे हैं कि सप्लायर 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 बेटा सप्लायर भी कोई नॉर्मल कंपनी है ये सप्लायर की जगह एग्जामिनर ने कुछ और भी लिखा हुआ हो सकता था दिस इज जस्ट योर काउंटर पार्टी जिस, जिसको आपने लोन दिया हुआ है तो सप्लायर के नाम से घबराइएगा नहीं जब आपने किसी पार्टी को लोन दिया तो लोन देने की वजह वो आपका सप्लायर नहीं था वो कोई भी पार्टी हो सकती थी जिसको आपने लोन दिया है जानने वाला था इसलिए लोन दे भी दिया नहीं जानने वाला होता तो शायद लोन ना देते आपके लिए ये प्लेन सिंपल एक फाइनेंशियल एसेट है डेट इंस्ट्रूमेंट है और कुछ भी नहीं है लिखा हुआ है बट देन द टर्म्स ऑफ द लोन वीनिगोशिएटेड it was agreed that no further interest payments would be made by the supplier but that the 10 million dollar loan amount would be repaid on 31st december 20x8 आप जरा कहानी को समझें कहानी यह है कि देखो कहानी ओरिजिनली थी क्या हमने 1 जनवरी 2006 को सामने वाली पार्टी को 10 मिलियन का लोन दिया एक साल बाद हमें उससे चार लाख रिसीव करना था दो साल बाद उससे फिर चार लाख रिसीव करना था तीन साल बाद उससे नाइन फोर सिक्स कितना था बेटा हमने उससे तीन साल बाद नाइन फोर सिक्स सेवन सेवन फाइव सूद की मद में रिसीव करना था और बाकी प्रिंसिपल रीपेमेंट रिसीव करनी थी एग्जामिनर ने हालात और वाकत आपको कुछ यूं बताए कि एक साल का इंटरेस्ट तो आपको रिसीव हो गया यानी वो आपका कोई लॉस नहीं हुआ लेकिन दूसरे साल का इंटरेस्ट जो कि चार लाख था और जो तीसरे साल का नाइन फोर सिक्स सेवन सेवन फाइव का इंटरेस्ट है अब वो आपको रिसीव नहीं होने वाला एज अ रिजल्ट ऑफ रीनिगोसिएशन सप्लायर, आपको ये दो फर्दर इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं रिसीव होने वाली यानी ये आपका एक तरीके का बेड डेट हो गया एक तरीके का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस हो गया ये एक तरीके का लाइफ टाइम क्रेडिट लॉस हो गया प्रिंसिपल रीपेमेंट तो आपको मिल जाएगी लेकिन चार लाख और नाइन फोर सिक्स सेवन सेवन फाइव आपको नहीं मिलने वाला नहीं मिलने वाला नहीं मिलने वाला क्लियर होती है आपको बात ये डन एग्जामिनर कह रहा है इट वॉज अग्रीड दैट नो फर्दर इंटरेस्ट पेमेंट वुड बी मेड बाई दिस सप्लायर बट दैट द टेन मिलियन डॉलर लोन अमाउंट वुड बी रीपेड ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर एक्सेड इट इज रीजनेबल टू अज्यूम दैट दिस रीपेमेंट विल बी मेड बाय सप्लायर दस मिलियन डॉलर आपको वापस मिल जाएंगे ऑन दिस बेसिस नॉन करेंट एसेट ऑफ टेन मिलियन डॉलर लोन इन द ड्राफ्ट कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दर एंडेड विद रिस्पेक्ट टू दिसन आपने सिर्फ रेकग्नाइज किया है टेन मिलियन डॉलर लोन डॉक्यूमेंटेशन स्टेट एट दफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरस्ट इम्प्लिस हमें करना क्या पड़ेगा अब हमें एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की रिक्निशन करनी पड़ेगी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस रिक्निशन क्या के क्या लिख रहा हूं जरा सुनना बाई द ईयर एंड बाई द ईयर एंड इट वॉज एविडेंट दैट इट वॉज एविडेंट फ्रॉम द री निगोशन With the supplier that further interest receipts of dollar four hundred thousand after one year and dollar nine four six seven seven five after two years was. Not expected to be received. Therefore, the present value of expected losses shall be recognized, the present value of lifetime expected credit losses shall be recognized at the at the year end these can be determined as follows interest lost interest yeah expected loss ऑन थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू जीरो चार लाख सही है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर करते हैं विच विल भी कैलकुलेटेड एज वन डिवाइड बाय वन प्लस आर आर होगा यहाँ पे जीरो पॉइंट जीरो फाइव सही है रेस टू दर वन सही है और फिर होगा मैं यहाँ पे कर देता हूँ नाइन फोर्टी सिक्स पॉइंट सेवन सेवन फाइव और रेस्ट तो दू कर दिया ठीक है जरा इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं मैं अपने पास आप भी अपने पास निकाल लीजिए बेटा प्लीज क्लियर तो एक सेकंड दीजिएगा मुझे ज़रा तो जी हमारे पास ये एक्सपेक्टेड ट्रेड लॉस एक साल का आ गया थ्री एट्टी पॉइंट नाइन फाइव दूसरे साल का आ गया एट फिफ्टी एट पॉइंट सेवन फाइव टोटल एक्सपेक्टेड लॉस जो हमारा बन गया जी ये बन गया थ्री एट्टी पॉइंट नाइन फाइव प्लस एट फिफ्टी एट पॉइंट सेवन फाइव विच इज़ इक्वल टू ज़रा टोटल कर लूँ थ्री एट्टी पॉइंट नाइन फाइव प्लस एट फिफ्टी एट पॉइंट सेवन फाइव दिस वुड बी इक्वल टू वन टू फोर जीरो अप्रॉक्सिमेटली वन टू थ्री नाइन पॉइंट सेवन आ रहा है मैंने इसको वन टू फोर जीरो राउंड ऑफ कर दिया तो टोटल एक्सपेक्टेड लॉस इज वन टू फोर जीरो क्लियर होती है बात ये तो अब अगर मैं आपके सामने कंक्लूड करना चाहूं कि फाइनेंशियल एसिड फाइनेंशियल एसिड देयर फॉर शुड हैव बीन शुड हैव बिन रिकॉर्डेड एज फॉलोज कितने का फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड रिपोर्ट होता हाँ हमें आ, आ, अगर हम ऐसे बोलें फाइनेंशियल एसेट एज पर अमोरटाइज कॉस्ट मॉडल एज पर अमोरटाइज कॉस्ट मॉडल ये होगा हमारे लिए ऊपर कितना आ रहा था बेटा वन जीरो थ्री वन जीरो और उसके बाद यहां से हम लेस कर देंगे हमारा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस जो के होगा भाई हमारे पास आगे चले जाएं तो होगा हमारे पास यहाँ पे वन टू फोर ज़ीरो का तो हमारा फाइनेंशियल एसेट इन कंसोले डेटेड एस ओ एफ पी वुड बी कितना वन जीरो थ्री वन ज़ीरो वन ज़ीरो थ्री वन ज़ीरो माइनस वन टू फोर वन Two four zero, this would be nine zero seven zero, right? तो हमारा नाइन जीरो सेवन जीरो का फाइनेंशियल एसेट जाना चाहिए कंसोलिडेटेड एसओ के अंदर अगर इस पूरे पार्ट के अंदर हम देखें कि हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो पहली बात तो ये कि हमें ये जो दो लाख डॉलर की ये जो दो लाख डॉलर की बेटा ये एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट थी इसको कैपिटलाइज करना था तो हम फाइनेंशियल एसेट में दो ऐड करेंगे और अपनी रिटेन अर्निंग में क्रेडिट देंगे यानी रिटेन अर्निंग को भी बढ़ाएंगे एक ये काम दूसरी बात यह कि हमें इंटरेस्ट इनकम जो बुक्स में रेकग्नाइज हुई हुई थी जो इंटरेस्ट इनकम बुक्स में रेकग्नाइज हुई हुई थी वो 400 की हुई हुई थी हमें 510 की करनी होगी तो 510 का मतलब क्या हुआ कि हमें 110 से एडिशनल इनकम रेकग्नाइज करनी होगी जिसकी अकाउंटिंग एंट्री होनी चाहिए फाइनेंशियल एसेट डेबिट वन वन जीरो और फिर उसके बाद हम रिटेन अर्निंग्स कोई एनसीआई नहीं होगा हम रिटेन अर्निंग्स को क्रेडिट करेंगे वन वन जीरो एक ये अकाउंटिंग एंट्री बनेगी इसको मैं बोल्ड कर देता हूं ठीक है और बेटा फिर तीसरी चीज जो जाएगी आपके पास वो ये जाएगी कि आप एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बुक करेंगे जिसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी एज फॉलोज मैं एंट्रीज अक्सर इसलिए बना देता हूं ताकि मेरे समझने के लिए आसानी रहे हम रिटेन अर्निंग से हम रिटेन अर्निंग से हटा देंगे वन टू फोर जीरो यानी ये डेबिट हो जाएगा है और फाइनेंशियल एसिड क्रेडिट हो जाएगा वन टू फोर जीरो से ठीक है तो ये वाली अकाउंटिंग एंट्रीज बनेंगी डन इसके साथ साथ मेरे दोस्तों हमने ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया अब हमारे पास तकरीबन तकरीबन हमने दो पार्ट अपने कर लिए हैं एक मेरे ख्याल से था आपका अल्लाह भला करे बारह मार्क्स का दूसरा था आपका नाइन मार्क्स का तीसरी और आखिरी रिक्वायरमेंट आपके पास मौजूद है Examiner says using the pre-populated spreadsheet response option within Exhibit Three and your previous answers and your previous answers adjust the spreadsheet prepared by the directors of Ladium in order to prepare a corrected. SOFP as at X6. आपको एक करेक्टेड एसओ एफ पी बना के दिखानी है द स्प्रेडशीट शुड कंसिडर अकाउंटिंग फॉर द एक्विजिशन मेजरमेंट ऑफ द लोन ऑफ सप्लायर नाइन मार्क्स के लिए आपको अपनी एसओ एफ पी को करेक्ट करके दिखाना है हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट को अपनी क्लोज करते हैं स्प्रेडशीट के ऊपर जाते हैं स्प्रेडशीट के ऊपर आप जाएंगे तो बेटा स्प्रेडशीट के ऊपर आपको एक बनी बनाई आप देखें यहाँ पे आपको बनी बनाई कंसोलिडेटेड एसओ दी हुई है राइट right? हमें एक तो बनी बनाई कंसोलिडेटेड एसओएफपी दी भी है अब इसके अंदर हमें एडजस्टमेंट्स पास करके एक रिवाइज्ड कंसोलिडेटेड एसओएफपी बनानी है अच्छा कंसोलिडेटेड एसओएफपी को जरा देख लेते हैं पहले हाँ तो इसके अंदर आप देखिए आपके पास नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है गुडविल है लोन टू सप्लायर है करंट एसेट्स में इन यू नो इन्वेंटरीज हैं ट्रेड रिसीवेबल्स हैं अदर करंट एसेट्स हैं टोटल एसेट्स टू जीरो फाइव ट्रिपल जीरो के हैं शेयर कैपिटल है अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी एक शेयर प्रीमियम रिकॉर्ड करना तो हमने वो है रिटेन अर्निंग्स हैं जिसमें हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स लेके जानी है वो हैं, एनसीआई भी बना बनाया गिवन है

प्रोसेसर खोला जिसके अंदर मैंने अपनी सारी एंट्रीज रिपोर्ट की हुई थी एक एक करके देखता चला जाऊंगा एक करेक्टिंग एंट्री थी मेरे पास कंसिडरेशन को करेक्ट करने की जिसकी वजह से गुडविल ने तीन हजार से बढ़ना था और अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी ने भी तीन हजार से बढ़ना था तो मैं यहां पे आता हूं वापस अपनी स्प्रेडशीट के ऊपर मैं यहां पे कहीं लिख देता हूं करेक्टिंग शेयर्स एक्सचेंज या शेयर्स कंसिडरेशन वॉट आप लिखना चाहें सही अच्छा इसको आप वन नाम दे दें ताकि समझदारी रहे समझ में आता रहे ठीक है तो करेक्टिंग शेयर्स एक्सचेंज हमारी ट्रांजेक्शन नंबर वन है जिसके अंदर हमने प्रीमियम वाला अमाउंट नहीं रिपोर्ट किया हुआ था हम उससे अपनी गुडविल को बढ़ा रहे हैं और गुडविल को बढ़ाने के साथ साथ हम लोग जो है अपने अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी को भी तीन हजार से बढ़ा रहे हैं बिकॉज गुडविल डेबिट हुई थी और ओसीई यानी शेयर प्रीमियम क्रेडिट हुआ था हमने ये तीन हजार डाल दिया एज एडजस्टमेंट नंबर वन फिर उसके बाद वापस आते हैं बेटा अपनी सोल्यूशन के ऊपर यहां पर लिखा हुआ है ड्यू डिलीजेंस कॉस्ट थी बेटा ड्यू डिलीजेंस कॉस्ट थी सात की जो कि उन्होंने पीएनएल में चार्ज कर दी थी सॉरी जो कि उन्होंने कैपिटलाइज कर दी थी अपनी गुडविल की कैलकुलेशन के अंदर वो गुडविल में कैपिटलाइज नहीं होगी हम ले गुडविल से उसको कम कर देंगे और अपने पी में लेके चले जाएंगे एज अ चार्ज तो बेटा यहां पर लिख देते हैं नंबर टू ड्यू डिलीजेंस कॉस्ट गुडविल कम होगी बेटा सात सौ से मैं कंफर्म कर लू इसका नंबर सात सौ बिल्कुल सात सौ और बेटा अपनी गुडविल को भी कम करेंगे और साथ साथ रिटेन अर्निंग में क्योंकि चार्ज आ रहा है सात सौ का तो यहां भी क्रेडिट कर देते हैं माइनस कर देते हैं डन आगे आ जाएं। फिर उसके बाद हम आगे चले थे तो हमारे पास आ रहा था एरिया एडजस्टमेंट टू नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन का सबसे पहली एडजस्टमेंट थी अपवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जिसमें प्रॉपर्टी ने हजार से बढ़ना था और गुडविल ने हजार से कम होना था तो मैं यहां पे आ जाता हूं जरा थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं बेटा अपवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पीपीई जितनी जगह लें हमारा क्या जा रहा है भाई फ्री की जगह है अपवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पीपीई अमाउंट क्या थी बेटा हजार 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 बिल्कुल सही है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट हो रहा था हजार से गुडविल क्रेडिट हो रही थी हजार से तो मैंने माइनस कर दिया गुडविल के अंदर से फिर इसकी वजह से एक्सेस डेप्रिसिएशन भी आई थी और एक्सेस डेप्रिसिएशन की वजह से आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सौ से गिर रहा था और कॉरिस्पॉन्डिंग इंपैक्ट सी आर और एनसीआई के अंदर जा रहा था तो आ जाते हैं बेटा यहां पे लिख देते हैं एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑन पी पी एंड ई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सौ से कम हो जाएगा और सी आर और एनसीआई सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव से कम हो जाएगा सेवेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव कम हो गया ठीक है जी आगे आ, आ जाए इसके बाद थी मेरे दोस्तों इन्वेंट्री का मामला इन्वेंट्री एक बार डेबिट हो रही थी टू हंड्रेड से गुडविल क्रेडिट हो रही थी टू हंड्रेड से तो मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा नोट नंबर फाइव ये एडजस्टमेंट फाइव हो रही है अपवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ या ऑफ इन्वेंट्री ठीक है इन्वेंट्री ने हमारी बढ़ जाना था इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इन्वेंट्री ने हमारी बढ़ जाना था 200 से सही है 200 प्लस और गुडविल क्रेडिट हो रही थी 200 से ये कर दिया हमने फिर उसके बाद एक और मामला इसके अंदर ये था कि सिंस टूवर्ड्स द ईयर एंड ये सारी की सारी इन्वेंट्री बिक चुकी थी तो उसकी वजह से एडिशनल कॉस्ट ऑफ सेल्स रेकग्नाइज होगी तो इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी वापस 200 से और सीआर और एनसीआई के अंदर 150 150 का इंपैक्ट जाएगा तो मैं यहां पे इन्वेंट्री को सिक्स में लिख देता हूं सेल ऑफ इन्वेंट्री पोस्ट एक्विजिशन है ये तो पोस्ट लिख रहा हूं इन्वेंट्री मेरी 200 से कम हो जाएगी और कितना इंपैक्ट आएगा 150 और 50 का तो 150 यहां से लेस कर दिया एनसीआई से 50 लेस कर दिया डन कितनी आसान है एडजस्टमेंट करना बनी बनाई कंसोलिडेटेड के अंदर कंसोलिटेड लाइबिलिटी थी बेटा इससे गुडविल 160 से बढ़ेगी और एक लाइबिलिटी से कर लेते हैं जरा तो सेवेंथ नंबर एडजस्टमेंट सेवेंथ नंबर एडजस्टमेंट कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी गुडविल बेटा हमारी ये रही गुडविल गुडविल बढ़ेगी बेटा कितने से कितनी अमाउंट थी बेटा एक सौ साठ तो एक सौ साठ से गुडविल हमारी प्लस होगी और नीचे लाइबिलिटीज के अंदर करंट लाइबिलिटीज में डाल रहा हूँ क्योंकि एक साल बाद ये खत्म भी हो गई थी तो लाइबिलिटीज के अंदर भी एक सौ साठ हमारा इंक्रीज हो जाएगा फिर उसके बाद ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी आप याद करिए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी खत्म भी हो गई थी तो उसका इंपैक्ट जा रहा था सीआर और एनसीआई के अंदर तो यहां पे आते हैं बेटा पॉइंट रेजोल्यूशन तो हम आएंगे बेटा हमारी लाइबिलिटी खत्म हो गई थी तो यहां से माइनस एक सौ साठ कर रहा हूं और सीआर और एनसीआई के अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट देना पड़ेगा पॉजिटिव इंपैक्ट देना पड़ेगा तो एक सौ साठ का सेवेंटी फाइव परसेंट था ना कितना था बेटा वन ट्वेंटी और देखो पॉजिटिव इंपैक्ट है ना तो माइनस नहीं लिख सकता था करेक्ट कर रहा हूं बेटा सीआर वन ट्वेंटी हो गया एनसीआई फोर्टी हो गया ठीक है मैंने करेक्ट भी कर दी एंट्री फिर आपका अल्लाह भला करे फाइनेंशियल एसेट आपके पास आया पहली बार बात ये थी कि फाइनेंशियल एसेट के अंदर ये जो यू नो कॉस्ट थी आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी ये इन्होंने कैपे सॉरी ये इन्होंने पीएनएल में चार्ज uh, uh, कर दी थी हमें पीएनएल से हटा के इसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा तो आ जाते हैं यहाँ पे नंबर नाइन ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑन फाइनेंशियल एसेट हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को फाइनेंशियल एसेट में यानी लोन टू सप्लायर देखें लोन टू सप्लायर बना बना है, है इसके अंदर ऐड कर देंगे टू हंड्रेड और रिटेन अर्निंग को अपनी बढ़ा देंगे टू हंड्रेड से इन्होंने चार्ज ऑफ कर दिया था हम इसको बढ़ा देंगे टू हंड्रेड से अरे बढ़ा दिया हमने टू हंड्रेड से ठीक है इसके बाद एडजस्टमेंट देखें इसके बाद बेटा हमको फाइनेंशियल एसेट को 110 से डेबिट करना था विच इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट इनकम बेस्ड ऑन इफेक्टिव रेट एंड द कूपन वैल्यू 110 से फाइनेंशियल एसेट को डेबिट करना था रिटेन अर्निंग को क्रेडिट करना था आ जाइए ये कर लेते हैं तो यहां पे आके एक सौ दस से डेबिट इफेक्टिव रेट लिख देता हूं बस यहां पे फाइनेंशियल एसेट को भी बढ़ा दिया और अपनी रिटेन अर्निंग को भी एक सौ दस से बढ़ा दिया है एनसीआई में कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा बेटा एन सी आई में क्यों कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा बेटा क्योंकि ये सरफ़ लेडीएम का फाइनेंशियल एसेट था बेटा लास्ट मेरे ख्याल से मेरे पास एडजस्टमेंट बची होगी यहाँ पे ये मैंने कर दिया फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मुझे रिकग्नाइज करना है फाइनेंशियल एसेट को वन टू फोर जीरो से गिराना है और रिटेन अर्निंग को डेबिट करना है यानी रिटेन अर्निंग को कम करना है तो इलेवन एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फाइनेंशियल एसेट को वन टू फोर जीरो से गिराना है एक बार चेक कर लू यही लाइन है लोन टू सप्लायर की यस yes, और अपनी रिटेन अर्निंग को भी वन टू फोर जीरो से गिराना है डन एक बार मैंने ये सारे काम कर लिए इसका मतलब एक्सेल मेरे पास टेक्निकली अब रेडी होनी चाहिए मैं यहां पे लिख लेता हूँ कंसोलिडेटेड एस एस ओ एफ पी एज एट सही है ये फाइनल फिगर्स होंगी बेटा मेरे लिए सही है फाइनल फिगर्स बेटा हमें निकालनी पड़ेंगी मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ इन सारे नंबर्स को सम अप कर लेता हूँ सारे नंबर्स को सम अप कर लेता हूँ फिर इसी फॉर्मूला को कंट्रोल सी कर रहा हूँ बेटा इस सेल के फॉर्मूला को कंट्रोल सी नीचे कंट्रोल वी नीचे कंट्रोल वी मेरे पास आ जाने चाहिए बेटा टोटल यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स सेम फॉर्मेट इन तीनों को ऐड किया टोटल नॉन करंट एसेट्स आ गए बेटा इसके बाद मेरे पास है आपका अल्लाह भला करे एक इन्वेंट्री यानी मैं ऐसे कर लूं इज इक्वल्स टू एस यू एम सम सही है तो ये आ गई मेरे पास ये इसके नीचे भी फॉर्मूला लगा लेते हैं ताकि बाकी सारी चीजें सम अप हो जाएं करंट एसेट्स लेके आ रहे हैं सेम चीज नीचे कॉपी कर लेते हैं इज़ इक्वल्स टू सम सारे सारे के करंट एसेट्स को आपस में प्लस कर लेते हैं तो ये देखें आपके पास टोटल करंट एसेट्स आ जाएंगे सही है इसको भी बोल्ड कर लिया यहाँ पे टोटल एसेट्स निकालने हैं तो वन थ्री सेवन टू थ्री जीरो प्लस सिक्सटी नाइन थाउजेंड टू जीरो सिक्स टू थ्री जीरो की मेरे टोटल मेरे पास टोटल मेरे पास एसेट्स uh, आ गए नीचे बेटा अगर आप चल के देखेंगे तो आपके पास आ, एक्विटी और लाइबिलिटीज हैं पहले एक्विटी की बात कर लेते हैं तो एक्विटी के ऊपर भी सम लगाना पड़ेगा इज इक्वल्स टू एस यू एम सम अप कर लीजिए सारे के सारे सेल, सेल सेलेक्ट किए एंटर कर दिया इसी सेल को कंट्रोल सी करें नीचे कंट्रोल वी फिर उसके नीचे कंट्रोल वी ये आपके पास यहाँ पे देखो यहाँ पे लेकर आ रहा है टोटल पेरेंट्स इक्विटी टोटल पेरेंट्स इक्विटी आप भी यही करें इज इक्वल्स टू एस यू एम सम और ऊपर वाले सारे सेल्स को सिलेक्ट करके बोल्ड कर दीजिए आपके टोटल पेरेंट कंपनी की इक्विटी आ गई फिर एनसीआई एस यू एम पे आपका आ गया एनसीआई फिर उसके बाद आप चल के देखिए तो इन्होंने रखिए यहां पे टोटल एक्विटी आप भी रख दें यहां पे टोटल एक्विटी इज इक्वल्स टू नाइन फाइव सेवन फोर फाइव प्लस टू थ्री नाइन सिक्स फाइव ये टोटल इक्विटी आ गई फिर उसके बाद है आपके पास लाइबिलिटीज यहां भी लगा देते हैं इज इक्वल्स टू एस यू एम उठा के ले आए कंट्रोल सी कंट्रोल वी टोटल लाइबिलिटीज आ रही है आपके पास फोर्टी थाउजेंड प्लस फोर्टी नाइन थाउजेंड की टोटल एक्विटी एंड लाइबिलिटीज बिस्मिल्लम रहीम लेके आइए तो ये हो जाएंगे आपके पास ये और अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैच नहीं कर रहा है हमारा अभी चेक कर लेते हैं क्यों मैच नहीं कर रहा कोई ना कोई एक चीज हमने जरूर मिस की हुई है वो है टू फोर एट जीरो की क्या मिस किया है भाई जरा देख लेते हैं अच्छा मुझे अपनी गलती यहां पे नजर आ गई खुद ही नजर आ गई बेटा वो ये कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यहां पे प्लस में लिख दिया था ये माइनस में है माइनस कर दें बेटा वन टू फोर जीरो तो यहाँ पे खुद ही करेक्ट हो जाएगा टू जीरो सिक्स टू थ्री जीरो ऊपर भी देखिए आपकी बैलेंसिंग वैल्यू थी टू जीरो सिक्स टू थ्री जीरो यहाँ भी आपकी आ रही है टू जीरो सिक्स टू थ्री जीरो आपकी मैच कर गई एक छोटी सी गलती मैंने एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस वन टू फोर जीरो का था वो रिटेन अर्निंग में एड कर दिया था लेस करना है आप इसको करेक्ट करेंगे इन शाला सही हो जाएगा विद दिस हमने अपना पहला सवाल कंप्लीट कर लिया है टाइमिंग्स नोट करें आप खुद से ये सवाल अटैम्प्ट करें देखें आप खुद से कितनी देर में करते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी करें आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी टेक केयर अल्लाह हाफिज़